नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में प्रतिदिन की तरह आज आपका फिर से स्वागत है। हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत के प्रमुख 16 शब्द रूपों का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि संस्कृत अनुवाद में नितांत आवश्यक होंगे। इनका महत्व आगे जब मैं संस्कृत अनुवाद के बेसिक बताऊंगा तो उसमें जो है आधारभूत तत्वों पर उसमें ये महत्वपूर्ण शब्दों की जरूरत पड़ेगी। यद्यपि वहाँ पे केवल दो ही विशेष आपके कॉलम और चार्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह जो 16 शब्द रूप हैं यह सैकड़ों शब्द रूपों में से, जी हाँ, सैकड़ों शब्द रूपों में से जो शब्द के आधारित पे हैं उसमें इन 16 शब्द रूपों का अध्ययन आपके लिए बहुत आवश्यक है। यही 16 शब्द रूप हैं जो प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके अतिरिक्त भी, लेकिन मुख्यतः यह 16 शब्द रूप ही है। यह जल्दी आपको किसी एक साथ एक वीडियो में नहीं मिले। हम लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद इन 16 शब्द रूपों का आपके लिए चयन किया है। यह आपके सीटेट के लिए अनुवाद के जो आता है वहाँ पर उसमें बहुत मदद करेगा। टेट के बच्चों के लिए, एसटेट के बच्चों के लिए, टीजीटी पीजीटी जो हिंदी और संस्कृत दोनों बच्चे हैं उनके लिए भी यह 16 शब्द रूप ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें DSSB और जो साथ ही साथ BTC रेगुलर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यह 16 शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी कड़ी में आज हम लोग सर्वनाम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यत पुल्लिंग शब्द के रूप किस तरह चलते हैं और यत स्त्रीलिंग शब्द के शब्द रूप किस तरह चलते हैं, आइए उसका अध्ययन किया जाए। तो आपके लिए मैं बता दिया कि जो संज्ञा आधारित जो शब्द हैं वो आपके 9 शब्द रूपों का चयन किया गया है। तो ये आपके वीडियो में अब तक हम लोगों ने लगभग सबके ऊपर वीडियो बना दिया है कैसे इनके रूप चलते हैं, तो आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, 1-2 बार 4 बार आराम से देखिए, उसको नोट करिए और उसके बाद लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर देके अपने जानकारी को क्या करिए, दुरुस्त करिए। आइए देखा जाए सर्वनाम शब्द में। आज से हम लोग सर्वनाम शब्दों का अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपसे यत जो यानी स्त्रीलिंग शब्द का अध्ययन किया जाएगा और उसी तरह यत जो आपके अर्थ में है स्त्रीलिंग शब्द का किस तरह से अनुवाद करेंगे, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग में शब्द रूप इसके कैसे चलते हैं, आइए इसका अध्ययन किया जाए। तो पहले हम लोग यत यानी इसका अर्थ जो अर्थ में होता है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत क्या क्या रूप चलते हैं आइए देखा जाए। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में इसके रूप कैसे चलते हैं, द्वितीय तृतीया चतुर्थी में, आइए देखा जाए। तो प्रथमा विभक्ति स्वरूप इसके हैं यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यै। चतुर्थी के रूप है यस्मै, याभ्याम, येभ्य, यस्मात्, याभ्याम, येभ्य, यस्य, ययोः, येषाम। सप्तमी विभक्ति के रूप क्या है यस्मिन्, ययोः, येषु। ये हैं आपके यत और पुल्लिंग शब्द। हम लोग हमेशा वीडियो में बनाते हैं बताते हैं इसके साथ साथ कौन से वो रूप हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके प्रथमा वचन के रूप और द्वितीया के जो हैं रूप आपको विशेष तैयार कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपसे प्रायः इसके एक वचन के रूप ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इसके ऐसा नहीं कि ये कम महत्वपूर्ण है। तो इसके अतिरिक्त आप इन दोनों रूपों के प्रथमा विभक्ति के दोनों सभी वचनों के और द्वितीय विभक्ति पर विशेष महत्व की मेहनत करिए। उसी तरह आप येन शब्द पे, यस्मै शब्द पे और यस्मात् शब्द विशेष रूप से आपसे पूछा जाता है। जैसे कह देगा येन, यत जो पुल्लिंग शब्द है उसका कौन सा रूप है, प्रथमा एक वचन, द्वितीया बहुवचन, तमाम ऑप्शन दे देगा आपको बताना होगा। तो येन, यस्मै, यस्मात्, यस्मात् बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ यस्मिन। और इसी तरह आपसे इधर के जो शब्द रूपों में येषाम, जितना इम्पोर्टेंट यस्मात् है उतना ही येषाम शब्द भी आपसे पूछा जाता है, उसी तरह यस्मिन् शब्द भी पूछा जाता है। तो ये 5-6 जो शब्द हैं वो अक्सर आप इस पर अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे 2 बार 4 बार 6 बार जब तक कि आपको याद ना हो जाए देखते रहिए, और उन्हों आसान तरीके से हम लोगों ने समझाया है और इन शब्दों पे आप विशेष मेहनत करिए। और आपके लिए विशेष सूचना भी है कि सर्वनाम शब्दों के संबोधन में रूप नहीं चलते, अतः यहाँ पर हम लोग सप्तमी विभक्ति के रूप तक का ही अध्ययन करते हैं। तो ये आपके लिए याद पुल्लिंग शब्द के संबंध में।
अब आइए हम लोग याद स्त्रीलिंग शब्द के रूप किस तरह से चलते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय अन्य विभक्तियों में, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आइए देखा जाए आपके प्रथमा विभक्ति के रूप इस तरह हैं, या, ये, या, याम, ये, या, याभ्याम, या भी, यश्यै, याभ्याम, याभ्य, यश्याः, याभ्याम, याभ्यः, यश्याः, ययो, याश्याम, यश्याम, ययो, याशु। ये आपके एक वचन द्विवचन बहुवचन में और समस्त विभक्तियों में यद स्त्रीलिंग शब्द के ये रूप हुए। आइए देखा जाए इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो मैंने आपसे पहले कहा था प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के दोनों एक वचन द्विवचन बहुवचन के समस्त रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपसे जो प्राय पूछा जाता है चतुर्थी का यस्य शब्द अक्सर आपसे पूछा जाता है कि यह कौन सा रूप है। उसी तरह आपका ये पंचमी का यश्या, और इसी प्रकार आपका षष्ठी विभक्ति के आपके बहुवचन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं याश्याम, और इधर आपका तृतीय का बहुवचन या भी। यह जो शब्द है यह विशेष रूप से पूछा जाता है, इधर के कुछ वर्षों में इन्हें विशेष रूप से पूछते हुए देखा गया है। तो अतः उम्मीद करेंगे कि इस पे भी आप मेहनत करिए। बस तरीका क्या है कि आप एक बार दो बार चार बार जितनी बार हो सके वीडियो को पूरा देखिए और इन रूपों पे हम लोगों के साथ में उसका उच्चारण करिए जैसे किया गया है। आसानी से आपको क्या होगा तैयार हो जाएगा, और साथ ही साथ अपने कागज कलम पर लिख करके उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, आइए हम लोग आज के प्रश्न पे आते हैं। तो आज का आपके लिए प्रश्न है जो आपके बताएगा कि आपकी तैयारी कितना है, पूरा तैयार कर लीजिएगा रूप और तब इसको लगाने की कोशिश करिएगा। इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको आप बोल सकते हैं कि हमने क्या किया कि इसका यत पुल्लिंग शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, यही आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो अगर हम लोगों की मेहनत, हम लोगों का प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि वो क्या करें, शेयर करने की कोशिश करें। और जितना शेयर करेंगे और उनसे ये प्रेरित करिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन, आपका अत्यंत ज़्यादा उत्साहवर्धन होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।